1888 में फ्रांस के लुइस ली प्रिंस ने दुनिया की पहली मूवी बनाई, जिसे उन्होंने सिंगल लेंस कैमरे से एक पेपर फिल्म पे शूट किया था। यह है वो कैमरा जिससे दुनिया की पहली मूविंग पिक्चर शूट हुई थी, और यह है दुनिया की सबसे पुरानी सर्वाइविंग मूविंग पिक्चर। फ्रांस से लगभग 7000 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान में 30 अप्रैल 1870 को नाशिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर के एक मराठी परिवार में ढूंढीराज गोविंद फाल्के का जन्म हुआ। फाल्के के पिता एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। फाल्के ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से अपनी कला की शिक्षा ली। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुजरात के गोधरा से एक फोटोग्राफर के रूप में की, लेकिन कमाईयों में ही अपनी पत्नी और बच्चे की मौत की वजह से उन्हें ये काम छोड़ना पड़ गया। इसके बाद उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एज ए ड्राफ्ट्समैन ज्वाइन किया, लेकिन उनका दिल इस काम में नहीं लगा और उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया। इसके बाद वो प्रिंटिंग के बिजनेस में आए और अपने वक्त के मशहूर पेंटर राजा रवि वर्मन के साथ काम किया। अब उन्होंने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस खोल ली थी, लेकिन किसी वजह के चलते उनके बिजनेस पार्टनर से उनका झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उन्हें इस बिजनेस से भी हाथ धोना पड़ा था। अब उनके पास करने को कुछ नहीं था। एक दिन फाल्के साइलेंट फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देख रहे थे। बस यही फिल्म देख के उनके दिमाग में विचार आया कि अगर हिंदुस्तान के देवी देवताओं को पर्दे पे देखा जाए तो कितना अच्छा लगेगा। उनके पास जो कुछ बची कुची पूंजी थी उसे लेके वो 2 महीने के लिए लंदन चले गए फिल्म मेकिंग को सीखने। ये वो दौर है जब फिल्म कमर्शियलाइजेशन भी शुरू हो गया था। फिल्म्स अब सिर्फ आर्ट के लिए ही नहीं बल्कि बिजनेस के लिए भी बनने लगी थीं। फाल्के फिल्म मेकिंग से जुड़े हर पहलू को समझ के भारत लौटे। 1912 में उन्होंने अपनी कंपनी फाल्के फिल्म्स का निर्माण किया, और उसी साल उन्होंने हिंदुस्तान की पहली मूविंग पिक्चर राजा हरिश्चंद्र बना डाली, जिसे उन्होंने 1913 में दादर के कॉरोनेशन सिनेमा में दिखाया, और इस तरह जन्म लिया हिंदुस्तान के सिनेमा ने। फाल्के ने 1913 में ही मोहिनी भस्मासुर भी बनाई, जिसमें कमलाबाई गोखले मुख्य अदाकारा थीं। 1917 तक फाल्के कई बड़ी छोटी फिल्म्स बना चुके थे। इन फिल्म्स को देख के काफ़ी बिजनेसमैन को लगा कि ये बहुत सही बिजनेस होगा पैसा कमाने के लिए। मुंबई के कई बिजनेसमैन फाल्के के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेके आए, और फिर बना हिंदुस्तान फिल्म्स, इंडिया की पहली बिजनेस बेस्ड फिल्म कंपनी, जिसने 1918 में श्री कृष्ण जन्म नाम की मूवी बनाई, और 1919 में उस वक्त की सबसे बड़ी और मशहूर मूवी कालिया मर्दान बनाई। लेकिन फाल्के की अपने ही नए बिजनेस पार्टनर से नहीं बनी। उन्होंने 1920 में हिंदुस्तान फिल्म्स से रिजाइन कर दिया। हिंदुस्तान फिल्म्स अब बहुत घाटे में जा रही थी, इसलिए फाल्के को दोबारा बुलाया गया। लेकिन फाल्के अब भी ज़्यादा दिन नहीं रुके। उन्होंने 1-2 मूवीज़ बनाई और फिर वो हिंदुस्तान फिल्म से दूर हो गए। फाल्के की लास्ट साइलेंट मूवी थी सेतु बंधन, जो 1932 में आई थी। अब टेक्नोलॉजी बदल रही थी, साइलेंट फिल्म्स का दौर खत्म हुआ और टॉकीज का शुरू। फाल्के इस टेक्नोलॉजी को समझने में पीछे रह गए। वो आदमी जो हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जनक था, वही अब उतना फेमस नहीं रहा था। इसकी सीधी सीधी वजह थी टेक्नोलॉजी में बदलाव। फाल्के ने 1937 में अपनी पहली टॉकी मूवी गंगा वतरान बनाई, और ये फिल्म उनके करियर की आखिरी मूवी भी साबित हुई। उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह पिट गई थी। प्रोड्यूसर्स अब उनकी मूवीज में पैसे नहीं लगाना चाहते थे। इसके बाद फाल्के फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के अपने शहर नाशिक चले गए, जहां 16 फरवरी 1944 में उनकी मौत हो गई। उन्होंने अपने करियर में 90 से ज़्यादा छोटी बड़ी फिल्में बनाई थीं।